और ये जिसका आज आपको उदाहरण में दिखाने जा रहा हूँ, अररिया जिले के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के पचीरा गांव में, जहाँ पचीरा गांव में जो है बीच खेत में ही जो है अस्पताल का जो है निर्माण कार्य करा दिया गया, वो भी करोड़ों रुपए के लागत से। आज वो अस्पताल जो है बीच खेत में ही जो है बन के जो है तैयार तो है, और आज उस अस्पताल में जो है गाय मवेशी और नर्सरियों का जो है सबसे बड़ा अड्डा भी बन चुका है, लेकिन लोगों को यहाँ पे ना किसी तरह का जो है चिकित्सा व्यवस्था का जो है कोई मुहैया कराया गया, ना किसी तरह का कोई यहाँ पे जो है लोगों को जो है कि कोई मूलभूत सुविधा भी दी गई। मैं दिखाने जा रहा हूँ ये रानीगंज का पचीरा अस्पताल है। अस्पताल का मैं दृश्य में अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो इस दृश्य को दिखाए। ये रानीगंज का पचीरा अस्पताल है, और अस्पताल में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ मवेशियों का चारागाह बना हुआ है, और अस्पताल में किस तरह से गंदगी का अंबार बना हुआ है, और यहाँ नर्सरियों का जो है सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। वहाँ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ताकि वो इस तरह में दिखाए कि यहाँ कैसे टाइल्स मार्बल वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो है लगाया गया है, और अस्पताल को जो है वो मूलभूत सुविधा जो दी गई है, लेकिन इस अस्पताल से धीरे धीरे ये सारा सामान को जो है नर्सरियों के द्वारा और सब कुछ को जो यहाँ से जो है उठा के ले जाया गया था। अब इस अस्पताल जो है अपनी ही दुर्दशा पे जो है हम आंसू भी बहा रहे हैं, जबकि ये अस्पताल अगर बन जाने से करीबन 5 पंचायतों को जो है ये अस्पताल से जो है इनको जो है जोड़ने का काम किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो है 5 पंचायत के लोगों को जो है यहाँ के अस्पताल में मुहैया जो है करा दिया जाता, कि ताकि 5 पंचायत के लोग यहाँ पे अपना इलाज वगैरह जो है कराने के लिए चले आते। लेकिन आज ये अस्पताल खुद अपनी ही ढंग को जो है घेर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग सब भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आज आप लोग जो इस अस्पताल को देख रहे हैं, अस्पताल है कि चारागाह है? ये अस्पताल तो है लेकिन चारागाह बना हुआ है। ये करोड़ों का बिल्डिंग धूल फांक रहा है, एकदम बिल्कुल चरागाह बना हुआ है। यहाँ का लोग जब मान के चलिए कोई डिलीवरी पेशेंट रहेगा, इस रोड का भी स्थिति देख ही रहे हैं कैसा रोड है। यहाँ से रानीगंज या फिर अररिया, अभी तो नया मामला देख रहे थे कि बीच खेत में जो है पुल का निर्माण करा दिया था, आज देख रहे हैं कि बीच खेत में जो अस्पताल का निर्माण करा दिया गया। ये सब भ्रष्टाचार का ये है, भ्रष्टाचार करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। बीच खेतों में पुल बना दिया जाता है, बीच खेतों में हॉस्पिटल बना दिया जाता है, ये सब भ्रष्टाचार। यहाँ खेत बीज बाद में इधर खेतों में तो देखने कोई नहीं आएगा पब्लिक, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं और मोटी रकम लेकर के घर चले जाते हैं, ठेकेदार हो या फिर जनप्रतिनिधि। 5 पंचायतों को जो है जोड़ता है ये अस्पताल, अगर अस्पताल बन जाते तो 5 पंचायतों के लोगों को यहाँ फायदा होता। आज रानीगंज में जिस तरह से 6 बच्ची की मौत हो गई, 2 बूढ़े लोगों की मौत हो गई, क्या अस्पताल के अभाव में हुई थी? बिल्कुल अस्पताल के अभाव में हुई है, ये लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की। मझवापुरब जहाँ बच्चों की मौत हुई है लगातार 5, वहाँ एक भी अस्पताल नहीं है आसपास में। और यहाँ देख लीजिए पचीरा पंचायत है, और गांव में बीच खेतों में यहाँ अस्पताल बना दिया गया है, वही हाल है। ये कितने लाख रुपए का, कितने करोड़ हमको लगता है ये लगभग 3 करोड़ की लागत से बना हुआ है, ये अस्पताल निर्माण कराया गया है। ये कई पंचायत को जोड़ता है, ये लगभग हमको लगता है 5-7 पंचायत को जोड़ता है ये आसपास। अच्छा, यहाँ से लोगों को कितना दूरी होता है जाने के लिए रानीगंज अररिया? यहाँ से अररिया हो गया आपको 30-35 किलोमीटर, रानीगंज 10 किलोमीटर रानीगंज होगा, 12-13 किलोमीटर रानीगंज है, 20-25 किलोमीटर अररिया। तो आज तक ये अस्पताल जो जैसे कि तैसे, मंगल पांडे जी का भी अररिया में प्रोग्राम था। वो मंगल पांडे जी का क्या बात करते हैं, वो तो बिहार का स्वास्थ्य विभाग को चौपट कर दिया। हमको लगता है सबसे भ्रष्ट मंत्री बिहार का वही है, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। स्वास्थ्य विभाग कैसा था कोरोना काल में जो है कि मंगल पांडे तो पूरा बिहार में लोगों को मौत बिछा दिया, वो लोग स्वास्थ्य विभाग में जो है ये लोग मंत्री बनने के लायक नहीं, लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। कोरोना काल में हमने ये भी देखा कि कोरोना काल के समय जो है लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, ना अस्पतालें मिल रहा था, सरकार यही देख के तो अस्पताल का निर्माण कराएगा, तो फिर आज ये अस्पताल अपने ही ढंग से है। वही ना, हम लोग वही स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो ये करोड़ों का बिल्डिंग बना दिए हैं, क्या है भ्रष्टाचार के लिए है, लोगों की मोटी कमाई के लिए है? यहाँ लोगों की इलाज करने के लिए होना चाहिए था, यहाँ डॉक्टर होना चाहिए था, नर्स होना चाहिए था, कंपाउंडर होना चाहिए था, लेकिन ये चारागाह बना हुआ है। देख लीजिए घास फूस किस तरह से, बिजली वायरिंग सारा चीज गायब है हॉस्पिटल का, कुछ नहीं है यहाँ। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी जानेंगे क्या लग रहा है, ये अस्पताल है कि क्या है? आप तो देख रहे हैं कि ये अस्पताल नहीं, ये तो भैंस गाय माल बांधने वाला है। खास बात मैं आपको बता दूं, शाम को जब यहाँ 5 बज जाती है तो यहाँ पर स्मैकर का अड्डा बन जाता है, ये नशा अस्पताल है। शाम में यहाँ मोटरसाइकिल नशोड़ी सबका यहाँ अड्डा हो जाता है। आखिर सरकार तो यहाँ अस्पताल करके बनाई थी, फिर यहाँ नशेड़ियों का अड्डा हो गया। देखिए सरकार का जो नियम था वो अपना बना के रख दिए हैं,
सिर्फ बना दिए हैं अस्पताल, उन्होंने शो कर दिया कि सर मैंने अस्पताल बना दिए हैं। अस्पताल में क्या है ये नहीं है, यहाँ पे गार्ड होना चाहिए, डे और नाइट ड्यूटी होना चाहिए यहाँ पे गार्ड का, सिस्टर्स होना चाहिए, डॉक्टर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। बस हम अस्पताल बना दिए हैं, शो कर दिए। स्थानीय विधायक है यहाँ पे जो कि जदयू के नेता है, तो वो उनसे आप लोग कभी बोले कि नहीं? क्या विधायक जी कभी अस्पताल देखने आए हैं आज तक? आज तक विधायक जी सिर्फ फीता काटने के बाद आज तक विधायक जी यहाँ कभी अस्पताल देखने आए हैं? अगर वो आते तो आज आपको यहाँ घास फूस और ये स्मैकर का अड्डा नहीं होता। आपके रानीगंज में कई जगह पे जो है विधायक का विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है कि विधायक जी, अभी हाल ही में जो है 6 बच्चे की मौत भी हो गया, 2 बूढ़े की मौत हो गई, उसमें भी वो लोग जो है निराधार रहे, क्या लग रहा है कि ये तो उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है। अगर अस्पताल अच्छा होता, अच्छा यहाँ पर से ट्रीटमेंट होता तो आज वो 6 की जान बचती। अस्पताल के अभाव में ही उन लोगों की जान चली। एकदम। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे आपके यहाँ स्थानीय जो विधायक है वो कभी आते हैं कि नहीं दिखने? उनको तो कुछ जानकारी है नहीं, वो विधायक का जो पद लेके बैठे हुए हैं कोई जानकारी है नहीं कि कैसे क्या होगा। वो तो विधायक जी हैं, बस उसका जो सत्ता जो चलाते हैं वो कुर्सी कोई और चलाते हैं। तो आज ये 3 करोड़ रुपए का जो है ये अस्पताल बनाया गया बीज खेत में, नहीं लग रहा है कि ये जो है ऐसे ही सरकार नहीं कर दिए? अभी आप लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? अभी तो हम लोग को यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूरी अररिया और रानीगंज जो है वहाँ जाना पड़ता है जी, इलाज के लिए। जी जी। तो इसके लेके कभी आप लोग फिर अपने स्थानीय विधायक को कभी कोई बताया नहीं कि वो तो यहाँ अस्पताल की आवश्यकता? कितने बार उसको बताया गया बट वो ये इस चीज़ का एक्सेप्ट ही नहीं करते, ना वो कोई मुद्दा उठाते हैं कि क्या करना है नहीं करना, कुछ नहीं करते जी। नहीं, आप कुछ बताना चाह रहे थे, क्या लग रहा है ये तो हॉस्पिटल बना हुआ है, इसमें हम लोग काम किए हैं लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ, तो नशीली गड्ढा हुआ बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो देख थोड़ा वो ताला वाला मार देते थे तो गेट बचा हुआ था, नहीं तो वो ही लेके चले जाता। हाँ, गेट टाइल्स वगैरह सब देखते टूटा हुआ, ग्रिल वगैरह सब देखते टूट गया, सब नशेड़ी सब इसमें कर सब आता है, उजार उजार के ले जाता है, तो उसमें हम ये नशेड़ियों के लिए बना गया था अस्पताल या सिर्फ अस्पताल था? बनाया गया तो अस्पताल है लेकिन अब नशेड़ी के जब चालू नहीं हुआ रहा तो क्या करेगा? तो ग्रामीण लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग को इधर 13-14 किलोमीटर रानीगंज पड़ जाता है, इधर 25-26 किलोमीटर अररिया पड़ जाता है, इतना दूर जाना पड़ता है। इस बीच में हम लोग का गरीब है, उतना पैसे तो है नहीं जो अपना 4 चक्का से जाएंगे, इस बीच में मौत हो जाता है कितना भी। आपने सुना यहाँ के लोगों में जो है जिस तरह से यहाँ के स्थानीय विधायक को लेकर इतना आक्रोश है, और विधायक जो है यहाँ ना तो कभी यहाँ किसी का कोई सुनने में आया इस अस्पताल में, जबकि टाइल्स मार्बल से लेके अस्पताल का पूरा काम तक जो है करवा दिया गया था, लेकिन अस्पताल में अब तक जो है ना किसी तरह का अस्पताल में जो है काम हुआ, ना कि अस्पताल में किसी तरह कोई जो यहाँ पे सुधी लेने आए। करीब 3 करोड़ रुपए के लागत से जिस अस्पताल का जो निर्माण कार्य जो है करा दिया गया था बीज खेत में ही, लेकिन अस्पताल आज भी जो है अपनी जो है डंस झेल रहे हैं, ना तो अस्पताल में आज तक डॉक्टर आए, ना किसी तरह का कोई यहां पे चिकित्सा वगैरह भी आए, लेकिन अस्पताल तो बन के तैयार है बीज खेत में, लेकिन आज तक इसे कोई देखने तक नहीं आए और ना कोई इसकी शुद्धि ली। जबकि ये रानीगंज का जो ये रानीगंज विधानसभा क्षेत्र है वो जो है अति पिछड़ा का क्षेत्र है और SC ST का ये क्षेत्र आता है, और इसी क्षेत्र से जो है अश्मित ऋषि देव भी आते हैं जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक है, लेकिन विधायक ने भी कभी इस क्षेत्र का जो है कभी वो शुद्धि नहीं लिए, ना इस क्षेत्र में किस तरह का क्या विकास कार्य हुआ है कभी इस पर जो है कभी वो ना देखे, ना कभी इस पर जो है कोई अमल किए। लेकिन ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि एक और जहाँ पे जो है सरकार जो है लगातार दावे तो करती है कि सरकारी अस्पताल व्यवस्थाओं को लेकर, पर उसकी कितनी जमीनी हकीकत है वो तो आप आज देख ही रहे हैं कि किस तरह से सरकारी अस्पताल जो है बीच खेत में ही जो है बना के जो है यहाँ पे जो है छोड़ दिया गया। अरुण कुमार अररिया न्यूज़ 24।